सेवा ही सच्ची ईश्वर पूजा है। स्वामी विवेकानंद के इस उद्देश्य को कार्य रूप में परिणत करने के लिए माननीय एकनाथ जी रानाडे ने विवेकानंद केंद्र की स्थापना की। विवेकानंद केंद्र की स्थापना के स्वप्न से पूर्व उन्होंने देश के दक्षिणी छोर पर तीन पवित्र महासागरों के मध्य स्थित शिला पर स्वामी विवेकानंद जी ने ध्यानास्थ होकर अपने जीवन का लक्ष्य पाया। ऐसी पवित्र शिला पर माननीय एकनाथ जी ने सन 1970 में स्वामी विवेकानंद जी के एक भव्य राष्ट्रीय स्मारक का निर्माण कराया। लाखों भारतीयों के सहयोग से निर्मित ये स्थान वास्तविक भारत की संस्कृति का एक अभिन्न अंग, शक्ति केंद्र बनकर उभरा। ग्रेनाइट पत्थर से निर्मित विवेकानंद शिला स्मारक सौंदर्य और माधुर्य की कविता है। ये शिला भारतीयों की ही नहीं अपितु लाखों युवाओं के एवं पर्यटकों के लिए प्रेरणा स्रोत है। विवेकानंद शिला स्मारक के स्वप्न दृष्टा माननीय एकनाथ जी ने सन 1972 में एक आध्यात्म प्रेरित सेवा संगठन विवेकानंद केंद्र की स्थापना की। विवेकानंद केंद्र नर सेवा नारायण पूजा के उदात्त विचारों पर केंद्रित है। ये जीवंत स्मारक समर्पित जीवन व्रति, सेवा व्रति, वानप्रस्थी, हजारों स्थानीय एवं लाखों परिपोषकों व चिंतकों के अथक सक्रिय सहयोग से चल रहा है। वर्तमान में इसकी 850 शाखाएं एवं अनेक प्रकल्प हैं जो मनुष्य निर्माण से राष्ट्र निर्माण की अवधारणा को साकार रूप देने में लगे हैं। माननीय एकनाथ जी रानाडे का दृढ़ विश्वास था कि जब तक मेरे देश का एक भी व्यक्ति दुखी, पीड़ित और रोगी है, तब तक हम समर्थ और सशक्त भारत के स्वप्न को साकार नहीं कर पाएंगे। इसीलिए उन्होंने चिकित्सा सेवा के क्षेत्र को भी एक अवसर के रूप में चुना। आज विवेकानंद केंद्र द्वारा देश के प्रमुख संगठनों जैसे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड तथा भारत ओमान रिफाइनरीज लिमिटेड इत्यादि के साथ मिलकर अत्याधुनिक चिकित्सा सेवाएं न सिर्फ समाज के बुद्धिजीवियों को बल्कि समाज के उपेक्षित वर्ग को भी सही उपचार मिले, इसके लिए अथक प्रयास कर रहा है। भारत के हृदय प्रदेश मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड स्थित बीना में विवेकानंद केंद्र भारत ओमान रिफाइनरीज लिमिटेड के साथ मिलकर विवेकानंद केंद्र PORL हॉस्पिटल का सफल संचालन कर रहा है। विवेकानंद केंद्र और भारत ओमान रिफाइनरीज लिमिटेड ने 2008 में अनुबंध किया। विवेकानंद केंद्र की PORL हॉस्पिटल 30 बिस्तर का एक अत्याधुनिक अस्पताल है जिसमें मेडिसिन, शिशु रोग, स्त्री एवं प्रसूति रोग, दंत विभाग, सर्जरी, फिजियोथेरेपी, नेत्र रोग विभाग तथा बर्न यूनिट आदि विशिष्ट चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध हैं। बाह्य रोग विभाग में प्रतिदिन 300 से 400 के बीच मरीजों का उपचार होता है तथा औसतन 15 से 20 मरीज भर्ती होकर स्वास्थ्य लाभ लेते हैं।
इसके अतिरिक्त BORL के आसपास के 24 गांव तथा कस्बे के 2.25 लाख से अधिक आबादी भी स्वास्थ्य लाभ लेने अस्पताल पहुंचती है। 400 से अधिक इंजीनियर, 150 से अधिक अधिकारी व 700 से अधिक कर्मचारियों के परिवार, जिनके बेहतर स्वास्थ्य का उत्तरदायित्व भी विवेकानंद केंद्र BORL हॉस्पिटल बखूबी निभा रहा है। विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी की ओर से हम लोग कुछ अस्पताल चला रहे हैं, जिसमें बीना भी एक अस्पताल है जिसका नाम विवेकानंद केंद्र BORL हॉस्पिटल है। यह एक 30 पलंग का अस्पताल है। BORL ने इसके चलाने की जिम्मेदारी विवेकानंद केंद्र को दी है। 3 और अस्पताल विवेकानंद केंद्र चला रहा है, वो भी रिफाइनरी से जुड़े हुए हैं, जैसे नुमालीगढ़ में, पारादीप में, और हम केंद्र की तरफ से ये पुनीत कार्य कर रहे हैं। हमारे यहाँ सर्जन भी है, गायनेकोलॉजिस्ट भी है, बच्चों के डॉक्टर भी हैं। बीना मध्य प्रदेश का एक थोड़ा सा पिछड़ा हुआ इलाका है, आसपास बहुत से गांव ऐसे हैं जहां बड़े गरीब लोग, समाज के पिछले हुए लोग रहते हैं। तो केंद्र न केवल अस्पताल का काम करता है, बट आसपास के गांव में भी हम लोग जाके वहां के मरीजों को देखते हैं, उनको स्वास्थ्य के बारे में शिक्षा देते हैं और उनका इलाज करते हैं। समय समय पर योग की शिक्षा भी दी जाती है, बच्चों में अच्छे संस्कार जगाने के लिए कैंप लगाए जाते हैं। शुरू में हमें इतना पेशेंट्स मिलते नहीं थे, आते नहीं थे। एक साल में हमको एक भी डिलीवरी करने का मौका नहीं मिला, लेकिन उसके बाद हम यहाँ पे डिलीवरीज करने लगे, साथ में हिस्टेक्टोमी और सिजेरियन के ऑपरेशंस भी करने लगे हैं। और हमें जो भी कमी है इस हॉस्पिटल में, वो आने वाले दिनों में वो भी पूरी हो जाएगी। जो हॉस्पिटल की जो सेवाएं हैं, जो एक
जिस स्तर के लेवल इंसान को जरूरत है वो पूरी तरह से उपलब्ध हैं और उन एक उनका जो लेवल है बिल्कुल सही है। और जो डॉक्टरों का व्यवहार है, जो हम लोग एक साथ रहते हैं, हमारे अंदर एक तरह की व्यवहारिकता, एक मानवीयता एक अलग स्तर की है, तो एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं और अच्छा व्यवहार और अच्छी केयर करते हैं। अस्पताल द्वारा सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यक्रम के तहत रिफाइनरी के आसपास के 24 गांव में नियमित रूप से मेडिकल कैंप लगाए जाते हैं। आसपास की मोबाइल मेडिकल कैंप यूनिट द्वारा प्रतिदिन 3 से 4 गांव में जाकर मेडिकल कैंप लगाए जाते हैं, जिनमें निर्धन किसान और मजदूर जो अस्पताल तक नहीं आ सकते उनके पास खुद डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ पहुंचकर उन्हें उपचार सुविधाएं मुहैया कराता है। गर्भवती महिलाओं का स्वास्थ्य परीक्षण हो या फिर उन्हें उचित स्वास्थ्य संबंधी सलाह और आवश्यक दवाओं जैसे कार्यक्रमों का सतत आयोजन किया जाता है। संजीवनी प्रोजेक्ट के तहत बच्चों एवं नवजात शिशुओं का परीक्षण कर उन्हें दवाएं दी जाती हैं एवं पौष्टिक आहार के रूप में पोषण आहार स्पेसिफिक फूड के डिब्बे भी प्रदान किए जाते हैं। आवश्यक हो तो कुपोषित बच्चों को भर्ती कर उपचार दिया जाता है। ग्रामीण किशोरियों को समय समय पर बेहतर स्वास्थ्य के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है। BORL टाउनशिप में रह रहे अधिकारियों के परिवारों को सकारात्मक जीवन शैली और बेहतर स्वास्थ्य के लिए योग का अभ्यास भी केंद्र द्वारा कराया जाता है। चिकित्सालय के डॉक्टर्स पैरामेडिकल स्टाफ के अलावा अन्य विभागों के सदस्यों को समय समय पर विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी के कन्याकुमारी स्थित मुख्यालय भेजकर योग व ध्यान का प्रशिक्षण भी दिया जाता है। डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ को नई तकनीक से परिचित कराने के लिए नियमित रूप से अस्पताल में CME का आयोजन भी किया जाता है। विवेकानंद केंद्र BORL हॉस्पिटल के प्रति न केवल BORL के अधिकारियों के परिवार बल्कि आसपास के क्षेत्रों के लोगों का भी अटूट विश्वास बन गया है। स्वामी विवेकानंद के सपनों के भारत के निर्माण में विवेकानंद केंद्र BORL हॉस्पिटल की पूरी टीम अपना योगदान दे रही है, ताकि हम सर्वे संतो निरामया के वैदिक सूत्र को साकार कर सकें।